हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो देखकर आप सच में बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो कि कैसे कुछ लोग कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ सब्सक्राइबर के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी और की जान को खतरे में डाल रहे हैं, बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, बच्चों को स्लेट पेंसिल खिला रहे हैं और उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं और फिर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो। बीच तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और मैंने जब ये वीडियो देखी मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं सबसे पहले उनका थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तरह की वीडियोज सेंड की। और मैं सच में ये वीडियो देखकर सच में शॉक्ड हो गया था और आप भी शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि इसमें एक लेडीज़ एक छोटे बच्चे और छोटी बच्ची को स्लेट पेंसिल खिला रही है और उनकी वीडियो बना रही है और फिर ये वीडियो यूट्यूब पर डाली है। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे ये इन छोटे बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इनको पता नहीं होगा शायद कि ये कितना बड़ा, कितना डेंजरस काम कर रहे हैं, क्योंकि जो स्लेट पेंसिल है आपको पता ही है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है कि कैसे ये लोगों की जान तक ले सकता है, कैसे ये हमारे शरीर में बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट करता है और कैसे इससे जान तक जा सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं और लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे हो, अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हो। और आप खुद ही इमेजिन करो, आपके बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास फ़ोन होता है और जो जब वो YouTube देखते हैं और जब भी वो इस तरह की चीज़ें देखेंगे ना, उनके माइंड पर क्या असर होगा, वो भी इस तरह की चीज़ें खाने लग जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे भी इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वो उनको ये पता चल सके कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या खाने से हमें नुकसान होता है। उनको समझाने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है, क्योंकि माँ बाप को सब कुछ पता होता है कि क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है, क्या नहीं है। लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखी ना, मैं सच में शॉक्ड हो गया कि कैसे छोटे बच्चे भी अब स्लेट पेंसिल खाने लगे हैं। मैंने और भी वीडियोज़ देखी है जिसमें बच्चे स्लेट पेंसिल खा के वीडियोज़ बना रहे हैं और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि कितनी सारी इस पर वीडियोस बन रही है और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से जिसको देखकर और लोग भी इस पर वीडियोस बना रहे हैं और उनको देखकर और बहुत सारे लोग खा रहे हैं और जो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से समझाया कि कैसे इससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे इससे आपकी जान तक चली जा सकती है और क्या क्या इसके बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस तरह की चीज़ें को जो ये स्लेट पेंसिल है, क्ले पॉट है, नाक मोट है, इनको खा रहे हैं और अपनी जान भी और लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की वीडियोस देखो तो प्लीज़ उनको समझाओ कि इस तरह की वीडियोस ना बनाएं, कि इस तरह की वीडियोस बनाकर औरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और अगर आप भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की वीडियोस मत बनाओ, इससे बहुत ही बुरा असर हो रहा है, बच्चों पर भी इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है और बड़े लोगों पर भी इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो प्लीज़ इस तरह की वीडियोस मत बनाओ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप कमेंट में मुझे इस तरह की वीडियोस के लिंक दे सकते हैं ताकि मैं भी इस तरह की वीडियोस देखूं और उस पर वीडियोस बनाऊं और लोगों को अवेयर कर सकूं। तो प्लीज़ से नीचे कमेंट करके मुझे आप बता भी सकते हैं कि क्या आपने इस तरह की वीडियोज़ देखी है
तो नीचे आप ज़रूर से कमेंट करें। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो।